कांग्रेस में राहुल राहुल की पुकार मची है, लेकिन राहुल कहां गुम हो गए किसी को पता नहीं। दो राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, पार्टी को खेवन हार की जरूरत है, सत्ता पक्ष पर करारे वार की जरूरत है, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े योद्धा ने जैसे हथियार ही डाल दिए हैं। राहुल गांधी के इस अज्ञातवास पर अब कांग्रेस के दिग्गज सलमान खुर्शीद का दिल भी कचोटने लगा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमें छोड़ गए। बहुत लोगों ने उनसे विनती की कि वो अध्यक्ष रहें। मैंने बार बार ये कहा है कि वो अध्यक्ष नहीं रहे, तब भी वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं और रहेंगे। कि राहुल जी के साथ नेता जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं। लेकिन राहुल के लिए कांग्रेसी नेताओं की तथाकथित तलाश पर कांग्रेसी ही एतराज जता रहे हैं। कुछ नेताओं को लगता है कि ऐसी बातों से पार्टी में भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं किसी और के बयान पे मैं कभी बयान नहीं देता हूँ, आपको मेरी आदत मालूम है। जहाँ तक जो वक्तव्य आया है, जिन्होंने वक्तव्य दिया है, आपको उनसे ही पूछना चाहिए। मैं कभी वक्तव्य पर वक्तव्य नहीं देता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को ज़रूर आत्म अवलोकन की ज़रूरत है और जो स्थिति है उसका जायज़ा लेना और सुधार करना, ये समय की जरूर मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में चुनाव से पहले वापस लाओ का नारा बुलंद हो रहा है, तो उधर बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंदियों पर है। लेकिन भीषण रण के इस दौर में राहुल बुद्धम शरणम गच्छामी के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस को राहुल से भी ज्यादा सख्त जरूरत एक ऐसे कृष्ण की है जो युद्ध के मैदान में गीता का दर्शन सुनाकर कहें कि हे राहुल, शोक त्यागो, उठो और युद्ध करो।